हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो? ठीक ठाक। ये मिक्सी ग्राइंडर, और इसमें मिक्सी के साथ साथ जूसर भी होता है। ये देखिए, जो आप देख रहे हैं इधर स्पेस, ये जूसर के लिए है, और ये मिक्सी एंड जूसर दोनों एक साथ है। ये इसका स्विच है, ये रिको कंपनी का है ये, और कितने वाट का है ये वाट है इसका 550 वाट। यहाँ पे लिख रहा है 550 वाट का ये है, मतलब इसमें जो मोटर लगा है ये 550 वाट का है, और मैक्सिमम कंटिन्यू रनिंग टाइम जो इसका आधा घंटा, यानी लगातार इसको आप आधा घंटा से ज़्यादा नहीं चला सकते हैं, आधा घंटा चला सकते हैं, आधा घंटा से ज़्यादा अगर आप चलाते हैं तो ये इसका मोटर हीट हो जाएगा और फिर ख़राब हो सकता है। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये इसका जो आप देख रहे हैं हाई वोल्टेज इसको बोला जाता है, या ट्रिप, ये बाहर आ जाता है और मसाला या कुछ भी अगर इसमें आप चलाना चाहें तो चल नहीं पाता है, और ये ट्रिप कर जा रहा है बार बार। तो क्या फॉल्ट है इसके लिए, इसे हम खोलेंगे। खोलने से पहले एक बार चला कर देख लेते हैं। चलने को तो चल रहा है, लेकिन ये देखिए चलने को तो चल रहा है लेकिन अंदर से स्पार्किंग कर रहा है। तो इसमें स्पार्किंग क्या है, इसके लिए इसे खोलना होगा। तो ये खोलते हैं, इसको खोल लेते हैं। तो ये खुल चुका है, और इसमें प्रॉब्लम क्या है आइए देखते हैं। चल रहा है लेकिन बहुत ही ज्यादा स्पार्किंग कर रहा है, और ये जो आप देख रहे हैं जो घूम रहा है, ये इसका आर्मेचर है जो बिल्कुल ही घिस चुका है। ये देखिए, ये बिल्कुल घिस कर प्लेन हो चुका है। इसमें जो आपको बीच बीच में लाइनिंग दिख रहा है, सभी में अलग अलग वायर ज्वाइंट होता है ये आर्मेचर का। ये जो कॉइल दिख रहा है आपको, ये जो क्वाइल है, ये क्वाइल का वायर जैसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह का जो लाइनिंग बीच बीच में दिख रहा है, ये इसका और ज़्यादा हाइट होता है, और इस सभी में वायर होता है। ये जो अमरेचर का क्वाइल है, इसका वायर इसमें कनेक्ट होता है, और ये दोनों तरफ से, इस तरफ से और इस तरफ से, दोनों तरफ से कार्बन लगा होता है, और उस कार्बन की सहायता से इसमें करंट दिया जाता है तो ये चलता है। तो ये बिल्कुल घिस चुका है, तो घिसने के कारण जो कार्बन है वो एक पॉइंट पे नहीं टच करके दो तीन पॉइंट पे टच कर जा रहा है एक साथ। इसके वजह से ये स्पार्किंग कर रहा है और ये खराब हो चुका है। इसका ये जो हाई वोल्टेज है ट्रिप, ये खराब नहीं है, ये अपना काम सही कर रहा है। वैसे अगर ये ट्रिप करता है तो लोग यही समझते हैं कि ये खराब हो चुका है, लेकिन ये खराब नहीं हुआ है, ये सही काम कर रहा है। ये जब यहाँ पे स्पार्किंग कर रहा है तो ये ट्रिप कर जा रहा है। इसका वर्क यही है कि कहीं भी अगर शॉर्ट सर्किट करता है तो ये ट्रिप कर जाए। तो ये अमरेचर जो है खराब हो चुका है, घिस चुका है, इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है, लेकिन दूसरा लगाया जा सकता है अगर सेम मिल जाए तो। अगर सेम आपको मिल जाता है मार्केट में तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, और अगर नहीं मिलता है तो इसके लिए आपको ये जो मोटर है 550 वाट का, ये पूरा मोटर ही चेंज करना होगा। ये वही अमरेचर है जो देखिए ऊपर तक ये घूमता है। ये कंपलिंग जो है, कंपलिंग को लेकर एक साथ मोटर यही घूमता है, और ये कंपलिंग जो है ये जार वाला कंपलिंग को घुमाता है, और जिसके साथ ब्लेड घूमता है, और ब्लेड घूमने के साथ उसमें जो भी आप पीसना काटना चाहें वो काट सकते हैं, पीस सकते हैं। तो इसमें जो फॉल्ट है वो अमरेचर का फॉल्ट है, इसको अमरेचर बोला जाता है। यहाँ से लेकर ये, यहाँ से लेकर इसमें बूस होता है, और बूस से लेकर ऊपर तक ये एक ही चीज़ है। इसमें कॉइल लगा होता है, सप्लाई दिया जाता है। तो ये बिल्कुल घिसकर खराब हो चुका है, और इसे चेंज करना होगा। अगर ये सेम मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो पूरा मोटर 550 वाट का
को चेंज करना पड़ेगा, और इसका फॉल्ट यही है, इसको रिपेयर करना संभव नहीं है क्योंकि ये घिस चुका है। अगर घिसा हुआ नहीं होता क्वाइल से, इसके अगर कुछ क्वाइल से प्रॉब्लम होता तो इसे रिपेयर किया जा सकता था, लेकिन प्रॉब्लम क्वाइल से नहीं है, ये अमरेचर जो है ये घिस चुका है, बिल्कुल प्लेन हो चुका है। जबकि अगर ये नया होता है तो ये इसका मतलब कि 6-7 सेंट ये एमएम 6-7 एमएम का मतलब इतना ऊंचा होता है, इतना से इतना ऊंचा होता है इसका हाइट, और उस पे कार्बन जो है इस तरह से कार्बन लगा होता है दोनों तरफ, और इस पे सप्लाई जाता है। तो ये कार्बन फिलहाल क्या हो रहा है कि एक साथ दो पॉइंट पे टच कर जा रहा है, जिसके वजह से ये नहीं चल रहा है। आप देखिए एक बार फिर से लगाते हैं इसे लाइन, बहुत ही ज़्यादा स्पार्किंग कर रहा है, और स्पार्किंग के साथ साथ आपको गंध, एक अजीब सा गंध आएगा, क्योंकि जब ये स्पार्किंग करता है तो जलता है, और जलने से अजीब टाइप का गंध आएगा, जो अगर आप कमरे में चला रहे तो पूरा कमरे में गंध भर जाएगा। तो इसे खोल लेना होगा, इसको नीचे से प्लास से पकड़ के, नोज प्लास जो होता है पतला वाला, इस टाइप का जो प्लास होता है, इसके सहायता से इसे नीचे पकड़ के, या फिर अगर यहाँ से पकड़ने लायक आपके पास नहीं है व्यवस्था तो इसे क्या करना होगा, यहाँ से पकड़ के इसको कपड़ा से, और इसे खोल लेना होगा। ये उल्टा साइड से खुलेगा, जो पेच खुलता है उसके सीधा ये विपरीत दिशा से खुलेगा, और खोल कर इसे चेंज कर लेना होगा। अगर आपको मार्केट में मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो सीधा मोटर ही चेंज करना पड़ेगा। तो ये इसका फॉल्ट है। आप अगर ये सोच रहे हो कि हम इसको खोल कर क्यों नहीं दिखा रहे हैं, चेंज करके क्यों नहीं दिखा रहे हैं, तो क्योंकि कस्टमर का कहना यही था कि पहले आप बता लीजिएगा कि इसमें फॉल्ट क्या है, कितना खर्चा आएगा, इसलिए हम इसे खोल नहीं रहे हैं, क्योंकि इसे खर्चा बताना है, और अगर वो बनवाना चाहेगा तो जब हम इसे रिपेयर करेंगे तो आपको इसका रिपेयर करने का, खोलने का तरीका बताएंगे। लेकिन अगर वो नहीं भी बनाता है तो ये वीडियो आपको काम आएगा। इसे इस तरह का फॉल्ट अगर सेम आपके मिक्सर ग्राइंडर में है, चाहे वो मिक्सर जूसर हो या सिर्फ मिक्सर हो, कोई भी कंपनी का हो, और कोई भी मिक्सर हो, सिर्फ मिक्सर है तो भी, अगर इस तरह का फॉल्ट है, यहाँ कार्बन में अगर स्पार्किंग करता है, तो सबका सेम ही सोल्यूशन है, उसका कार्बन घिस चुका होगा, या घिस चुका नहीं है तो फिर वो स्पार्किंग अगर करता है तो उसका जो अमरेचर है वो खराब हो चुका है, उसे चेंज ही करना होगा, तभी आपका सही होगा। और ये खुद भी आप कर सकते हैं, अगर खुद नहीं कर सकते हैं तो आपको ये तो पता चल ही जाएगा कि इसमें फॉल्ट क्या है, और ये 400 से 500 के बीच में आपको अमरेचर आ जाएगा, और अगर अमरेचर नहीं मिलता है तो फिर आपको ये पूरा मोटर चेंज करना होगा। 500 वाट का अगर आप चाहें तो इसमें 750 वाट का भी लगा सकते हैं। इसमें वाट का क्या मतलब है, वाट जो होता है, वाट से फायदा आपको ये है, जैसे ये 550 वाट का है तो इसे आप 30 मिनट तक चला सकते हैं, और अगर आप 750 वाट का, 900 वाट का लेते हैं तो उसका जो कंटिन्यू रनिंग टाइमिंग होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा देर तक आप उसे चला सकते हैं। और वाट जितना कम होगा, 500 वाट होगा, 450 वाट होगा, जितना कम वाट होगा उतना आपका रनिंग टाइम कम जाएगा, उतना कम ही आप चलाएं तो अच्छा रहेगा। और अगर आपको ज़्यादा टाइम तक चलाना है लगातार, तो इसके लिए आपको ज़्यादा वाट का ही लेना पड़ेगा। ज़्यादा वाट लेने से होगा कि आपको लगातार चला सकते हैं ऐसा, और इसमें ऐसा नहीं कि आप मतलब कि ज़्यादा लगा चला नहीं सकते, मतलब इसको लगातार आधा घंटा चलाने के बाद फिर थोड़ा देर इसे रेस्ट दे दीजिए, ताकि इसका जो अमरेचर है, कार्बन है, ये ठंडा हो जाए, मोटर ठंडा हो जाए, तो आधे घंटे के बाद इसे फिर आप चला सकते हैं। तो इसमें फॉल्ट जो है इसका अमरेचर का है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।